हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये सुबह के 4:30 बजे उठ गई है। पापा इसके आने वाले हैं अभी कुछ देर में। इसको शायद पता है कि इसके पापा आने वाले हैं तो ये पहले उठ गई है। वैसे तो इतनी जल्दी उठती नहीं है लेकिन पहले ही उठ गई है। देखो क्या करती है, कब तक जगती है। अभी जाने में थोड़ा 1-1.5 घंटा बाकी है, कब तक जगी रहती है या सो जाती है। हाँ पापा को ले वेट करेगा, वेट करेगा पापा के लिए कि सो जाएगा। सो जाएगा तो आगे देखिए क्या होता है, मिलते हैं आगे। आप लोगों को बता दूं कि मेरा है जो कि कल है, तो आज ये आ गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जब हम लोग उठे सुबह 5 बजे पहुंच चुके थे, तो 5 बजे हम लोग वापस सो गए थे आने के बाद उनके। और उसके बाद फिर जब उठे तो ये मैंने चीज देखी, तो मैंने इनसे पूछा ये क्या है, तो इन्होंने बोला कि फूल के देखो कि क्या है। देखो देखो बेटा देखो, अरे खोलो ना भाई, ये तो घबरा कर रही है। अरे सीधा अरे वाह ये क्यों घुस रही है? ये देखो आप पेटू में थी मम्मा के। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। पसंद आया था ना? पिछली बार की तरह पोपट तो नहीं हो गया? पिछली बार भी कुछ किया था लेकिन गड़बड़ा गया था। अरे चीत ये कैसा लम्हा है, ये क्यों खुश हो रही है देखना। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो यहाँ हमारी पैकिंग हो गई है, हम जाने वाले हैं जयपुर घूमने। 2 दिन का ही प्लान है, सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हारा बर्थडे इस बार जयपुर में सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग मेरे फैमिली में घूम चुके हैं वहाँ पर, बस मैं ही नहीं गई हूँ अभी मेरे इन लॉज की फैमिली में। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें घुमा के ले आता हूँ। जिस दिन हमें निकलना था बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी हमें लग रहा था ट्रेन छूट ना जाए। अभी आप लोग देखिए कितनी तेज़ यहाँ हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। योगनगरी से हमारी ट्रेन थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही हमारी गाड़ी लगी हुई थी। बस 5 मिनट बचे थे, लगा कि ठीक है अभी टाइम है हम लोग पहुँच सकते हैं, इतना जल्दी नहीं करनी चाहिए। बारिश से पूरा स्टेशन भीग चुका था, मतलब पूरा स्टेशन में पानी था। तो बस ध्यान से जा रहे थे और अपनी ट्रेन में जाके बैठ गए थे। 12 घंटे की जर्नी थी हमारी। बस बेटी को लेकर थोड़ा था कि मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बर्थडे की एक्साइटमेंट तो थी ही लेकिन साथ साथ बेटी के लिए भी हर चीज़ सोच के चलते हैं हम लोग दोनों, मतलब हम दोनों ही, उसके पापा भी और मैं दोनों ही उसके लिए बहुत सोचते हैं। तो उसकी पूरी तैयारी करके गए हैं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा ही सब कुछ लेकर चलते हैं ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब वो ट्रेन में बैठती है तो उसको बहुत मज़ा आता है।
ऑलमोस्ट वो सब चीज़ से ट्रैवल कर चुकी है, तो उसको ज़्यादातर वैसे ट्रेन में मज़ा आता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, हमारा यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट होता है, एक तो अटेंशन मिलता है, बच्चों को यही तो चाहिए होता है, सब अटेंशन दें, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा जयपुर का ट्रिप। अभी पूरा ब्लॉग देखिए और आप लोग एंजॉय कीजिए एंड बने रहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जयपुर का ब्लॉग आता रहेगा, कैसा होता है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वो भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, इस पर की जगह लगी है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग ब्लॉग अब यहाँ से स्टार्ट होता है। दे दो अच्छा आज की बादल देखो, बादल ये मेरी बेटी है जो बदमाशी कर रही है, बहुत बदमाशी करती है, तो कान एकदम खराब हो गया इसका। ट्रेन कैसे बोलती है? क्या ये नहीं तो यहाँ हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। ये हरिद्वार आ गया बेटा, ठीक है तो चेक कर क्या अमेजिंग है यार, सच में काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मजा आ रहा है बेटा, ये अच्छा है, वो सक्शन पावर है ना वो भी बहुत तगड़ी है, एक बार चिपक गया तो गिरेगा ही नहीं। बच्चों को इंगेजिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी मैं आप लोगों को, आप लोग ट्रैवल में यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। घूम रहा बेटा देखो, जान पहचान ऐसा लग रहा है, नहीं खाना हाँ जो भी है मतलब ऑफिशियल नहीं खा रहा हूँ, नीचे आ रहा है अलग अलग क्या, एक लिफाफा देते नहीं आया बच्चे तो कर दिया गलती से, क्या मुझे लगा वही दे रहा है, बाद में चेक किया कहता नहीं नहीं फिर नीचे रख लो, गोने में डाल।